बहुत ही बढ़िया। अभ्युदय की अभी अभी अपन ने बात की कर रहे थे हम लोग अभ्यास की अनिवार्यता पर, अब अभ्युदय की अनिवार्यता क्यों है इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां से ही वो सेट होगा, क्योंकि अभ्युदय की अनिवार्यता है इसीलिए हमें अभ्यास की भी अनिवार्यता बनती है। तो क्यों अभ्युदय की अनिवार्यता है, क्योंकि सर्वतोमुखी विकास ही अभ्युदय है। तो सर्वतोमुखी विकास किसको कह रहे हैं, कि जो चारों आयाम और पांचों स्थितियों में, तो सर्वतोमुखी विकास ही अभ्युदय है, जो सर्व मानव का लक्ष्य। और ये किसका लक्ष्य है, केवल हमारा आपका लक्ष्य नहीं है बल्कि सर्व मानव का लक्ष्य, क्योंकि प्रत्येक धर्मित मानव कर्म करते समय स्वतंत्र एवं भर फल भोगते समय परतंत्र। तो हर मानव कर्म करते समय स्वतंत्र है और फल भोगते समय परतंत्र। कैसा मानव, भ्रमित मानव। जागृत मानव ऐसा नहीं है, जागृत मानव कर्म करते समय भी स्वतंत्र है और फल भोगते समय भी स्वतंत्र है। क्यों, क्योंकि फल जैसा वो चाहता था है ना, उससे वैसा ही फल आता है। फलस्वरूप सुख रूपी, समाधान रूपी, समृद्धि रूपी फल जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक भोगा जाता है, और उसके विपरीत में जो दुख रूपी फल है, या जो जो भय रूपी फल है ना, या जो भ्रम रूपी फल है, जो द्रोह विद्रोह शोषण रूपी फल है, क्योंकि हम उसको भोगना नहीं चाहते, तो कर्म करने में तो हम स्वतंत्र रहते हैं भ्रमित मानव के रूप में, लेकिन फल तो नियम से ही आता है, और ऐसा फल आ जाता है जिसको मैं भोगना नहीं चाहता हूँ, उसी को अपन परतंत्रता कह रहे हैं। तो इस अर्थ में जागृत मानव कर्म करने में भी स्वतंत्र है, फल भोगने में भी स्वतंत्र है। भ्रमित मानव कर्म करने में तो स्वतंत्र है लेकिन फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। तो सर्वतोमुखी विकास ही अभ्युदय है, जो हर मानव का लक्ष्य है, क्योंकि उसके कारण बता रहे हैं। दूसरा कारण बता रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक मानव गलती करने का अधिकार एवं सही करने का अवसर लेकर ही जन्मता है। कितना अस्तित्व में कितना ब्यूटीफुल डिजाइन है, कि हर मानव प्रत्येक मानव को गलती करने का अधिकार है। भाई कहाँ से आ गया अधिकार, क्योंकि मानव अधिक विकसित इकाई है, जो अपन ने पहले पढ़ा था। सब सर्व विकसित इकाई होने से वो अपने से अन्य के साथ गलती करने की संभावना, क्योंकि विकसित है इसलिए शोषण भी कर पाता है, करने में वो सक्षम रहता है ना, भले ही उसमें वो दुखी होता है क्योंकि फल भोगने में परतंत्र है। तो अच्छी बात क्या है, साथ ही साथ गलती करने का अधिकार है लेकिन सही करने का अवसर लेकर जन्मता है ना। क्या अवसर है, क्योंकि प्रत्येक मानव जन्म से न्याय का याचक, न्याय याचक है, न्याय प्रदान करने में असमर्थ रहता है, लेकिन याचक जरूर है, प्रदायी क्षमता नहीं है ना, ये अवसर के रूप में है कि वो प्रदायी क्षमता से संपन्न हो जाए। प्रत्येक मानव बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि चाहता है। तो हर मानव बौद्धिक समाधान भी चाहता है और भौतिक समृद्धि चाहता है। प्रत्येक मानव का अकेले में कोई कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है। तो ये जो हम लोग कहते रहते हैं कि अकेला आया है, अकेला जाऊंगा, ये बिल्कुल भ्रमित मान्यताएं हैं। मानव संबंधों में ही जन्म लेता है ना, संबंध पूर्वक ही आता है और संबंधों में ही जाता है, और संस्कार लेकर के, यदि व्यवस्था है तो संस्कार लेकर के जाता है, ना अकेला आता है ना अकेला जाता है। एक्चुअली आना जाना होता नहीं है, क्योंकि जीवन की कोई उत्पत्ति नहीं है। शरीर को स्वीकारता है, शरीर जब काम करने लायक नहीं रहता तो उसका वियोग होता है, रचना की विरचना होती है। तो जीवन तो बना ही रहता है, तो मानव का इसीलिए, क्योंकि वो अकेला है नहीं, अस्तित्व तो अपने में सहअस्तित्व है, इसलिए अकेले में कोई कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, है ना। ये सब साथ साथ होने में कार्यक्रम है। ये भी जो कार्यक्रम, यदि अपन जो ये पठन कर पा रहे हैं, ये आपके सहयोग की वजह से हो रहा है, ये हमारे आपकी परस्परता में होने वाली घटना है। इसी तरह से मनुष्य का अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं है ना, ये सब साथ साथ सहस्तित्व में ही सारे कार्यक्रम हैं। प्रत्येक मानव में अन्य प्रकृति में से के लिए अपेक्षा उपयोग से अधिक उत्पादन क्षमता है, और प्रत्येक मानव में अन्य प्रकृति में से के लिए की अपेक्षा उपयोग से अधिक उत्पादन क्षमता है, कि हर मानव में, और इसको तात्विक रूप में जो बाबा बोलते थे, क्योंकि उत्पादन में भागीदारी करने वाला जीवन और शरीर, क्योंकि तो जीवन शक्तियां लगती ही हैं है ना, निपुणता कुशलता पांडित्य के रूप में, आशा विचार इच्छा के रूप में,
तो काम करने वाले दो रहते हैं और उसको जो उपयोग करना है, जो उत्पादन हुआ उसको उपयोग तो केवल शरीर ही करता है ना। इस अर्थ में आवश्यकता माने तात्विक स्वरूप में भी आवश्यकता से अधिक उत्पादन की क्षमता मानव में रहती ही है ना। तो क्यों अभ्युदय की अनिवार्यता है? इन सब वजह से। प्रत्येक मानव और प्रत्येक मानव प्रकृति का अभिन्न अंग है, मानव भी प्रकृति का हिस्सा ही है। प्रत्येक मानव सुख शांति संतोष एवं आनंदानुभूति चाहता है, इसलिए अभ्युदय की अपेक्षा है, अभ्युदय की अनिवार्यता है। प्रत्येक मानव का लक्ष्यविहीन कार्यक्रम नहीं है, इसलिए भैया क्या लक्ष्य बनाओगे? अभ्युदय नहीं लक्ष्य बनाओगे तो सुविधा संग्रह लक्ष्य बन जाएगा, है ना, जो तृप्ति नहीं देगा क्योंकि उसका कोई तृप्ति बिंदु ही नहीं है। तो इसलिए भी अभ्युदय की अनिवार्यता है क्योंकि मानव का लक्ष्यविहीन कार्यक्रम नहीं है, इसलिए हमारे में अभ्युदय रूपी लक्ष्य की अनिवार्यता बनती है। प्रत्येक मानव सतर्कता एवं सजगता से परिपूर्ण होना चाहता है ना। हम कोई भी काम करें हम उसको तर्क ही नहीं दे पाए क्यों ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो हमारे में तर्क संगत का भी चाहिए और सजगता की भी से परिपूर्ण होने की चाहत बनी ही हुई है, इसलिए भी हमें अभ्युदय, क्योंकि अभ्युदय को ही तर्क संगत विधि से समझाया जा सकता है, दूसरे तक संप्रेषित किया जा सकता है, और जो जो द्रोह विद्रोह युद्ध को हम परस्परता में ठीक से तर्क विधि से संप्रेषित ही नहीं कर पाते हैं। यदि हम युद्ध को प्रोपेगेट करते हैं तो जो भी जब सामने से तर्क आता है उसका हम तर्क संगत उत्तर नहीं दे पाते हैं, है ना। ऐसा ही सभी अमानवीय कार्यक्रमों के साथ है, इनको ये सतर्कता तर्क संगतता उसमें स्पष्ट नहीं हो पाती है, सजगता तो उसकी आगे की स्थिति। तो चारों आयामों एवं पांचों स्थितियों की एक सूत्रता एवं समन्वयता ही अभ्युदय का प्रत्यक्ष रूप है, जिसकी संभावना एवं अवसर भी है ना। इसकी संभावना भी है, इसका अवसर भी है। चारों आयाम अपन बात कर चुके हैं, विचार व्यवहार व्यवसाय और अनुभव, और पांचों स्थितियां अर्थात व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र। आवश्यकता से अधिक उत्पादन पूर्वक भौतिक समृद्धि है जो उत्पादन का लक्ष्य है, और न्यायपूर्ण व्यवहार या मानवीय मूल्यों का निर्वाह पूर्वक सहकार सहयोग एवं सहानुभूति, जिसका प्रत्यक्ष रूप समाज में निर्विषमता और अभयता है। तो समाज में निर्विषमता अर्थात निर्विरोधता, अर्थात पॉजिटिवली कहें तो सभी के साथ स्नेह, और अभयता का पॉजिटिव है क्योंकि तो ये भय का उल्टा है, अभय है ना, निगेटिव है, उसका पॉजिटिव है परस्परता में विश्वास, है तो इसकी स्थापना हो पाती है, इसका प्रत्यक्ष रूप समाज में निर्विषमता और अभयता के रूप में दिखाई देता है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का दर्शन एवं व्यापक सत्ता में अनुभव ज्ञान पूर्वक समाधान, जिसका प्रत्यक्ष रूप व्यवहारात्मक जनवाद एवं समाधानात्मक भौतिकवाद है। तो जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का दर्शन एवं व्यापक सत्ता में अनुभव ज्ञान पूर्वक समाधान, जिसका प्रत्यक्ष रूप उसका जो स्वरूप है जीने में वो व्यवहारात्मक जनवाद और समाधानात्मक भौतिकवाद। अर्थात समाधानात्मक भौतिकवाद का मतलब है कि जो जड़ संसार है हम उसमें कोई द्वंद्व नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, बल्कि पूरकता उदात्तीकरण है, और मानव अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है बिना प्रकृति को घायल किए, बिना प्रदूषण को फैलाए। तो इस अर्थ में कह रहे हैं सत्ता में अनुभव ही पूर्ण विकास और जागृति है, जिसका प्रत्यक्ष रूप दया कृपा एवं करुणा का प्रकटन है। यही चारों आयामों की एक सूत्रता पूर्ण उपलब्धि विकास एवं जागृति, जागृति सफलता, कृतकृत्यता, सतर्कता एवं सजगता है। तो सत्ता में अनुभव ही पूर्ण विकास और जागृति है, जिसका प्रत्यक्ष रूप दया कृपा एवं करुणा का, उससे उसके फलस्वरूप क्या होता है, दया कृपा करुणा का प्रकटन है, ये प्रमाणीकरण है, है ना। तो पहले धीरता वीरता उदारता का प्रमाणीकरण है, उसके बाद दया कृपा करुणा का प्रकटन है, जिसको जागृति पूर्णता कह रहे हैं। यही चारों आयामों की एक सूत्रता पूर्ण उपलब्धि विकास एवं जागृति सफलता कृतकृत्यता, कृतकृत्य हो गए माने धन्य हो गए, है ना, सफल हो गए, सतर्कता एवं सजगता है, साथ ही जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का अभीष्ट भी है। और जड़ और चैतन्यात्मक प्रकृति का अभीष्ट माने जो मानव है, जो जड़ चैतन्य प्रकृति के संयुक्त रूप में है, उसका अभीष्ट भी है, उसका लक्ष्य भी। ज्ञान अवस्था के पूर्ण
ज्ञान अवस्था के पूर्ण जागृत मानव में आप्त कामना श्रेय कर्म ये पाया जाता है। किसमें? पूर्ण जागृत में, अति मानवीय मानव में, जागृत मानव में अर्थात मानव में शुभेच्छा एवं कर्म, अर्ध जागृत मानव में मंगल कामना, जो अध्ययनशील मानव है ना, उसमें मंगल कामना एवं संयत कर्म उपयोग, माने अध्ययन की एक अच्छी स्थिति में आने पर है ना, जिसमें एक्चुअली यदि देखेंगे इसको अर्ध जागृति को, तो जहां कह रहे हैं कि बुद्धि का अभी आत्मा से विमुख है, आत्मा अभिमुख नहीं हुई लेकिन बुद्धि जागृत हुई है, तो सम मध्यस्थ आत्मक जो कार्यक्रम शुरू होता है उस स्थिति, उस घटना को अर्ध जागृत कह रहे हैं। यदि आपको यदि याद हो तो ये कर्म दर्शन में या मानव व्यवहार दर्शन में रहस्य मुक्ति में ये पांचों है ना आए थे, है ना, अल्प जागृत, अजागृत, अल्प जागृत, अर्ध जागृत है ना, और जागृत और पूर्ण जागृत, या इसी को अचेतन, अल्प चेतन है ना, चेतन, अर्ध चेतन, चेतन और पूर्ण चेतन के रूप में इसको रखा था। तो अर्ध जागृत मानव में मंगल कामना एवं संयत कर्म उपयोग, माने अध्ययन की एक पुष्ट परिपुष्ट स्थिति में, और राक्षस व पशु मानव में शुभ कल्पना, देखिए वहां भी शुभ कल्पना तो बनी ही हुई है ना, तो उसमें शुभ कल्पना अस, लेकिन कर्म कल्पना शुभ है, कर्म कैसा है? अशुभ कर्म है ना, तो इसीलिए कह रहे हैं कि कर्म करने में स्वतंत्र है, चूंकि अशुभ कर्म करता है फलस्वरूप परतंत्र रहता है किसमें, फल भोगने में। तो राग पशु मानव और राक्षस मानव में भी कल्पना में शुभ कल्पना का, क्योंकि इसीलिए हम वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना कर ही रहे हैं, भले ही हम अपने ही कुटुंब में नहीं जी पा रहे हो ठीक से, लेकिन कामना के रूप में, कल्पना के रूप में शुभ कल्पना हमारे में बनी हुई है। तो पशु मानव राक्षस मानव में शुभ कल्पना, अशुभ कर्म एवं असंयत भोग प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। यहां से ही वो प्रवृत्ति वृत्ति और निर्वृत्ति की बात आई थी। ये वैविधता ही एक सूत्रता सामंजस्यता पूर्वक सह अस्तित्व को पाने के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। लेकिन देखिए कितनी ब्यूटी है कि इवन पशु मानव राक्षस मानव में ये जो शुभ, ये जो विसंगति आ गई ना भाई, ये क्या हो गया, कल्पना शुभ है, कर्म अशुभ है, फल परिणाम अशुभ है, कल्पना शुभ है, कल्पना के अनुरूप फल परिणाम न आने से हमारे में ये प्रेरणा होती है, इससे आगे जाने के लिए गति बनती है। ये ब्यूटीफुल सह अस्तित्वात्मक डिजाइन है। तो ये वैविधता ही है ना, ऐसी विविधता ही एक सूत्रता सामंजस्यता पूर्वक सह अस्तित्व को पाने के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। क्योंकि ये पशु मानव राक्षस मानव होना या अमानवीयता होना या मानव का भ्रमित होना, ये किसी भी धरती के क्रम में ये पाया ही जाएगा। तो इसमें प्रेरणा कहाँ से आएगी? वो शुभ कल्पना जो बनी हुई है ये प्रेरणा का काम करती है। सह अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए जागृति ही एकमात्र प्रेरणा स्रोत है। और फिर कोई मानव है ना, कोई मानव पूत है ना, अनुसंधान करता है ना इस प्रेरणा के बस, और फिर वो और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो सह अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए जागृति ही एकमात्र प्रेरणा स्रोत है। संपूर्ण प्रयास व्यवहारात्मक जनवाद, समाधानात्मक भौतिकवाद तथा अनुभव आत्मक अध्यात्मवाद के परिप्रेक्ष्य अथवा आवश्यकता से है। तो सारा प्रयास किस लिए है? कि हम व्यवहारात्मक जनवाद को स्थापित कर पाएं, अर्थात जो मनुष्य मनुष्य के बीच में व्यवहार की स्थापना हो, भौतिकता जगत में समाधानात्मक भौतिकवाद हो अर्थात आवश्यकताओं की पूर्ति हो बिना प्रदूषण को फैलाए, और अनुभवात्मक अध्यात्मवाद जो रहस्यात्मक है, अध्यात्मवाद उसकी जगह अनुभवात्मक अध्यात्मवाद हो, जिसको मानव अनुभव करके तृप्ति को महसूस कर सके, दूसरों को अभिव्यक्त, संप्रेषित और प्रकाशित कर सके, इस परिप्रेक्ष्य में अथवा इस आवश्यकता से है। क्योंकि जन आकांक्षा को मानव जाति व्यवहार रूप में पाना चाहे, क्या बात है, ये जो जन आकांक्षा है, ये जो शुभेच्छा है, माने पशु अमानवीयता में भी इसको वो व्यवहार में प्रमाणित रूप में देखना चाहती है, पाना चाहती है, एवं भौतिक संपदा तथा साधनों को परस्पर मानव के कलह का कारण नहीं बनाना चाहती। क्या गजब की अमानवीय स्थिति में होते हुए भी ये मानवीयते कामना का जो बीज है, भ्रूण है ना, इसी को कह रहे हैं कि जो कारण क्रिया सूक्ष्म इच्छा के रूप में मानव में पाई जाती है। इतना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही चमत्कृत है ना, कि उसको भी कह रहे हैं कि ये देखो, ये पशु मानव राक्षस मानव भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी जो इनमें शुभ कल्पना और अशुभ कर्म और असंयत भोग प्रवृत्ति है, ये इनमें प्रेरणा का स्रोत बनती है। क्यों? क्योंकि ये जो जनाकांक्षा है हर मानव में, जो शुभ आकांक्षा जनाकांक्षा के रूप में है, ये जनाकांक्षा मानव जाति व्यवहार रूप में पाना, इसका देखना चाहती है व्यवहारिक स्वरूप ये सफल हो, एवं भौतिक संपदा तथा साधनों को परस्पर मानव के कलह का कारण नहीं बनाना चाहती, अपितु इसमें, इसके विकल्प में उसका निराकरण
एवं व्यापक सत्ता में अनुभव करना चाहती है, जो स्पष्ट है। मुझे लगता है समय हो गया, आज थोड़ा सा व्यवधान भी रहा और मैं इसमें देख रहा हूं कि बहुत अच्छा। तो स्वयं की जागृतिशीलता में ये हो गया था, विकास एवं जागृति संपूर्ण प्रकृति का अभीष्ट है, इसकी अपन बात कर रहे थे। इसका प्रत्यक्ष रूप प्रकृति की विधा एवं उसकी तात्विकता, तात्विक स्थिति बत्ता है, जो गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता व आचरण पूर्णता है। इसी श्रृंखला में मानव तथा मानवीयता वस्तुगत वस्तु स्थिति सत्य के रूप में प्रत्यक्ष है। मानव की परिभाषा एवं मानवीयता की व्याख्या से यह स्पष्ट हो चुका है कि मानवीयता में ही सामाजिकता की संभावना है। साथ ही मानवीयता से परिपूर्ण होने के अनंतर अति मानवीयता अधिकार संभव है। तो अपन ये बात कर रहे थे, बहुत ही सघन प्रक्रिया है ना, और मानवीयता से परिपूर्ण होने के बाद ही अति मानवीयता का अधिकार आता है। अखंडता ही मानवीयता पूर्ण लक्ष्य एवं कार्यक्रम को निर्विरोध बहन करने हेतु योग सामर्थ्य संपन्न जनमानसी जागृत और अखंड समाज परंपरा है। जीवन लक्ष्य सुख शांति संतोष आनंद है, जिसके लिए मानव बौद्धिक समाधान, भौतिक समृद्धि, अभय व सहस्तित्व में प्रमाणित होना चाहता है, इसीलिए कार्यक्रम है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति के आध्यात्म आदि से अंत तक के कार्यक्रम की उपलब्धि केवल भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान है, इसका अनुभव ही सुख व समाधान है। ऐसी अनुभव क्षमता की निरंतरता में मानव सुख शांति संतोष आनंद एवं परमानंद को अनुभव करता है। इसके अगला, मानव जाति के समस्त कार्यक्रम का उद्देश्य अनुभव एवं प्रमाण ही है। बौद्धिक समाधान के बिना अनुभव संभव नहीं है, क्योंकि समाधान की निरंतरता ही अनुभव है। भौतिक समृद्धि के बिना बौद्धिक समाधान सिद्ध नहीं है, और बौद्धिक समाधान के बिना भौतिक समृद्धि प्रमाणित नहीं होती, क्योंकि अज्ञात को ज्ञात करने के लिए एवं अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए अनवरत प्रयास हुआ है। विवेक व विज्ञान का संतुलन अधिकार सहज प्रमाण ही भौतिक समृद्धि एवं बौद्धिक समाधान है। तो कह रहे हैं कि देखिए, भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान क्या है, कि विवेक व विज्ञान का संतुलन अधिकार सहज प्रमाण ही। तो विज्ञान पर भी अधिकार हो, विवेक पर भी अधिकार हो, और उनमें एक संतुलन हो, है ना, उस संतुलन को पा लेते हैं तब हम भौतिक समृद्धि, तो हम अपनी बेसिकली क्यों संतुलन चाहिए, जिससे मैं ही अपनी शक्तियों का नियोजन भौतिक उत्पत्ति के लिए भी कर सकूं, और इतना ना करूं कि हमें जो सामाजिकता के लिए समय है वो नहीं मिल रहा है, या इतना सामाजिकता में नहीं उलझ जाऊं कि हम भौतिक समृद्धि को ही प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं। तो पर विज्ञान का संतुलित अधिकार सहज प्रमाण ही भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान है। कर्म अभ्यास के बिना उत्पादन एवं समृद्धि तथा व्यवहार अभ्यास के बिना समाधान नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस तरह से ये तो हम सबको स्पष्ट ही है कि कर्म अभ्यास के बिना उत्पादन नहीं होता है, लेकिन शायद हम ये बात को भूल जाते हैं कि व्यवहार अभ्यास के बिना समाधान नहीं है, क्योंकि कई बार हमें ये लगता है कि बिना व्यवहार किए विचार पूर्वक ही हम समाधान कर लेंगे, है ना, तो सिर्फ विचार में समाधान नहीं है। सभी के लिए बहुत बहुत नमस्कार, है ना, और 19-20 लोग फिर से आ गए, ये बढ़िया, बहुत ही आप लोगों का कमिटमेंट देख के मेरा काफी उत्साह वर्धन हो रहा है ना। ये अनफॉर्चुनेटली मुझे भी अभी देखना पड़ेगा, या तो कोई बग है, कुछ तो गड़बड़ है सॉफ्टवेयर में, है ना, तो बढ़िया। तो इसमें कह रहे हैं, कर्म अभ्यास के बिना उत्पादन एवं समृद्धि तथा व्यवहार अभ्यास के बिना समाधान नहीं है। तो समाधान के लिए व्यवहार अभ्यास की आवश्यकता है, इसको बहुत बार बार इस पर ध्यान आकर्षण कराया जा रहा है। कर्म अभ्यास अन्वेषण शिक्षण प्रशिक्षण है ना, कर्म अभ्यास के लिए भी अन्वेषण करना पड़ता है ना, शिक्षण प्रशिक्षण है, जिसकी चरितार्थता उत्पादन है, फल का समृद्धि है, उसका फल क्या है, हम उत्पादन कर पाते हैं। व्यवहार अभ्यास में अनुसंधान, अनुसरण, आचरण, संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था है, जिसकी चरितार्थता, व्यवहार अभ्यास की चरितार्थता सामाजिकता है, अखंडता है, निर्विषमता है,
अभयता है, समाधान है, संतुलन है और स्वर्ग है ना। क्योंकि व्यवहार में जो निर्विषमता है, जो एक रूपता है, जो सामंजस्य है, वही बेसिकली स्वर्ग के रूप में है। अभी भी लोग बोलते हैं कि जो घर में सब कुछ होते हुए भी यदि घर में संतुलन नहीं रहता है तो उसी को हम नरक के रूप में पहचानते हैं, है ना, अनुभव करते हैं इसका। तो मानव का अशेष कार्यक्रम, अशेष माने सारा कुछ जिसमें कुछ और शेष ना रहे, तो मानव का अशेष कार्यक्रम वैचारिक, व्यवहारिक और उत्पादन, ये तीन ही कार्यक्रम है, उत्पादन है, वैचारिक है और व्यवहारिक है। वैचारिक परिपूर्णता अथवा समाधान के लिए साक्षात्कार एवं चिंतन अभ्यास आवश्यक है ही। साक्षात्कार एवं चिंतन अभ्यास पूर्वक ही यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता को निरीक्षण परीक्षण कर पाना सहज है। यही समाधान रूपी निष्कर्षों को स्फुरित करता रहता है, जिससे ही सर्व शुभ है जो पांचों स्थितियों में नीति त्रय से संबद्ध है, है ना। तो ये पांचों स्थितियां है ना, व्यक्ति से लेकर अखंड समाज राष्ट्र तक की, ये समाधान ही नीति त्रय, जो अर्थनीति, धर्म नीति और राजनीति, इन सबसे संबद्ध होकर के समाधान रूपी निष्कर्षों को स्फुरित करता है। अनुभव कार्यक्रम नहीं है, है ना, अपितु अनुभव के लिए ही कार्यक्रम है। तो अनुभव अपने में कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि अनुभव में कार्यक्रम है, अनुभव के लिए कार्यक्रम है और अनुभव से कार्यक्रम है। तो कार्यक्रम क्या है? अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था कार्यक्रम है। उसके लिए अनुभव एक पायदान है, सोपान है, एक सीढ़ी है। तो अनुभव उस ढंग से अनुभव कार्यक्रम नहीं है, कार्यक्रम तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, अपितु अनुभव में कार्यक्रम है, अनुभव से कार्यक्रम है, अनुभव के लिए कार्यक्रम है। और नीति त्रय अर्थात अर्थनीति, धर्म नीति और राजनीति, ये परस्पर अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं, उपयोगी हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अर्थ के बिना धर्म नीति और राजनीति, क्योंकि धर्म नीति है क्या? अर्थ का सदुपयोग। अब धर्म अर्थ ही नहीं होगा तो सदुपयोग कैसे होगा और सुरक्षा कैसे होगी? तो अर्थ के बिना धर्म नीति और राजनीति, सदुपयोग तथा सुरक्षा के बिना, और सदुपयोग और सुरक्षा नहीं है तो अर्थ की चरितार्थता नहीं है। इस तरह से एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, जुड़े हुए हैं, पूरक हैं। मानव का मानव अर्थविहीन नहीं है, है ना। प्रत्येक मानव में जन्म से तन मन रूपी अर्थ द्रष्टव्य है ना। तो हम भूल जाते हैं कई बार, हम अर्थ का मतलब हम पैसे को ही समझते हैं, रुपए पैसे को, वस्तुओं को। तन भी एक वस्तु है, मन भी एक वास्तविकता है जो हमें मिली ही हुई है, तो अर्थ के रूप में, इसलिए तन मन धन तीनों को ही अर्थ कहा है। तो प्रत्येक मानव में जन्म से तन मन की अवस्थिति द्रष्टव्य है। तन व मन के योग फल में ही, और तन और मन के योग फल से ही धन का उत्पादन, निर्माण, उपयोग, सदुपयोग और वितरण प्रत्यक्ष है। तो कोई भी मानव अर्थविहीन नहीं है, है ना। उसको जन्म से ही तन और मन मिला ही रहता है, जो कि स्वयं में अर्थ है। उसी से फिर और वो तन और मन को लगा करके, अर्थात अपनी निपुणता, कुशलता, पांडित्य को लगा करके भौतिक ऐश्वर्य पर, शरीर के माध्यम से हम धन का उत्पादन निर्माण करते ही। अर्थ के सदुपयोग व सुरक्षा की अनिवार्यता को सिद्ध करता है जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो हर मानव अपने द्वारा उपार्जित अर्थ को सदुपयोग और सुरक्षित करना चाहता है, इसलिए इसकी अनिवार्यता भी है। इसीलिए है ना, हमें धर्म नीति और राजनीति की जरूरत भी है, क्योंकि फाइनली धर्म नीति अर्थ के सदुपयोग को बताता है, अर्थात बौद्धिक समाधान को प्रकट करता है जिससे हम अर्थ का सदुपयोग कर पाते हैं, और राजनीति ऐसी व्यवस्थाओं को फलीभूत करता है जिससे कि हमारे तन मन धन रूपी अर्थ को सुरक्षा मिल सके, सुरक्षित हो सके। यही नीति त्रय की अनन्यता है, समस्त मानव की एकता के लिए आधार भी है। यह आधार अपरिवर्तनीय है ना, एवं शाश्वत है, साथ ही परस्परता में अनन्यता को पाने का स्रोत भी है। तो यह आधार बदलता नहीं है, क्योंकि ये तीनों चीजें बनी ही रहती हैं। यही समाधान चक्र है कि अर्थनीति, धर्म नीति और राजनीति, है ना, अर्थ का उपार्जन, उसका सदुपयोग, उसकी सुरक्षा और इनके सदुपयोग और सुरक्षा से पुनः
अर्थ का उपार्जन ये एक चक्र बना रहता है। इसीलिए इसी समाधान के लिए अनादि काल से मानव त्रसित व प्रत्याशी है। तो उसमें इसकी प्यास भी है और ये उसका उम्मीदवार भी है, अर्थात इस प्यास को पूरा करने के सामर्थ्य के साथ भी है, है ना। इस तरह से अपना अध्याय पूरा हुआ और आप लोग फिर से 37 लोग हैं भैया, आप लोगों का निष्ठा से मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ, बहुत खुश हूँ। और जैसा कि है ना आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा ही बना रहूं, बिल्कुल शरीर में तो अपने ढंग से प्रक्रियाएं होंगी ही और जीवन में और उत्तरोत्तर गति हो, है ना, ऐसी आपकी कामना को मैं बिल्कुल सहृदय से स्वीकारता हूँ, है ना। आप और हम सबकी जो कामनाएं सफल हो जाएं, है ना। और ये जो अभ्यास हम लोगों ने मानव व्यवहार दर्शन और कर्म दर्शन को पढ़ा, है ना, उसके लिए जो अभ्यास हमारा लगना है ना, उस अभ्यास को हम कर पाएं, अर्थात व्यवहार अभ्यास रूप में देखूं मैं तो फाइनली ये कह रहे हैं भाई, जितना भी हम जब जो सब समझे हैं या अभ्यास को जो बाबा ने एक ही लाइन में लिखा था, जाने हुए को मान लो और माने हुए को जान लो, तो अपनी ही मान्यताओं को हम देख पाएं, उनको जांच पाएं और जो हमें समझ में आ रहा है, जितना हमें तर्क में स्पष्ट हो रहा है, उसको हम जीने के लिए काम कर पाएं, है ना। तो बहुत बढ़िया भैया, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अभी लिख सकते हैं, नहीं तो मुझे लगता है मेरे फिर क्वेश्चन गायब हो गए, क्योंकि अब मैं मोबाइल से बोल रहा हूँ और व्हाट्सअप इसी पर है, है ना। प्रियंका दीदी ने भेजे भी होंगे और बढ़िया, तो मुझे लगता काफी सुखद संयोग है, है ना। आदि कोई अभी इस पे लिखेगा तो मैं पढ़ के कुछ इस पे अपना विचार रख पाऊंगा, बट मैं फाइनली बहुत खुश हूं और मुझे लगता है कि हम सब का एक ही काम रह गया है। बहुत सारी सूचनाएं हम सब तक आ गई हैं और मैं ये मान रहा हूं कि जितने लोग बने हुए हमें तर्क में ठीक ही लग रहा है ये सब बातें, अब इसको व्यवहार अभ्यास कर पाए। व्यवहार अभ्यास को मैं ऐसे ही देखता हूं कि अपने ही परिवार के साथ पहले इसको शुरू किया जाए। इसका मतलब है कि अपने ही बच्चों के साथ, पत्नी के साथ इन सब मुद्दों पर चर्चा की जाए, है ना, कि हमें कितना भौतिक संसार की जरूरत है, भौतिकता की जरूरत है, क्योंकि यदि उसी में उसको हम स्थिर कर पाएंगे तो ही हम अपने लिए, है ना, अपन उसको जी पाएंगे और जीने से जो तृप्ति होगी वही सुख है फाइनली, है ना, क्योंकि उसकी निरंतरता जीने से ही आ रही है। पारस भाई लिख रहे हैं सामाजिकता के एक दो उदाहरण दें, तो भैया सामाजिकता मुझे ऐसे ही पारस भैया ऐसा दिखता है कि सामाजिकता का एक काम है परस्पर, बाबा ये कह रहे हैं कि परस्पर जो उत्पादन में न्याय है और विनिमय में न्याय है, जो दृश्य स्वरूप है सामाजिकता का, उत्पादन विनिमय और न्याय, है ना, जो मानव में निहित मूल्यों के साथ जीना, ये तीन दृश्य स्वरूप हैं और इसके जो बैकग्राउंड में जो काम करता है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो बैकग्राउंड में माने इनका जो आधार है, जो न्यू है, जो फाउंडेशन है, वो शिक्षा है और स्वास्थ्य है, और इसका जो दृश्य स्वरूप है वो उत्पादन विनिमय और परस्परता में अभयता विश्वास है। तो इसको यदि मैं उदाहरण के रूप में देखूं तो यदि हम मानव जाति के रूप में सभी मानव के लिए शिक्षा सुलभ करा पाए, है ना, तो एक बड़ा मुझे लगता है ये हमें एक प्रमाण के रूप में दिखाई देगा कि शिक्षा की सुलभता। दूसरा, हर मानव बच्चा एक उम्र के बाद बड़ा होता है और बड़े होने के साथ साथ अभिभावक होने के नाते हम माता पिता की उससे अपेक्षाएं रहती हैं, अपेक्षाएं रहती है कि वो उत्पादन कर सके, अपने अपने और अपने परिवार की आवश्यकताओं का और अपने माता पिता की सेवा कर सके, उसके लिए जो उसको वस्तु लगेगी ही। जैसे मैं देखूं तो मेरा बेटा है ना 20-21 साल का हो गया है, तो अब स्वाभाविक हर माता पिता की ये रहती है माने कामना कि वो स्वावलंबी हो और व्यवहार में सामाजिक भी हो, क्योंकि ये सदगुण भी हैं। तो अब ऐसा होने के लिए मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं कि काम नहीं करना चाहते, या तो उनको काम नहीं मिलते हैं या जो काम मिलते हैं उनका ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं होता है, है ना, तो वो पूरा श्रम भी करते हैं 8 घंटे 10 घंटे, लेकिन जो उनका मूल्यांकन होता है अर्थात उसके बदले में जो उनको प्रतिफल मिलता है वो न्यायोचित नहीं दिखाई देता है। तो मुझे लगता है एक सामाजिकता का एक उदाहरण ये भी होगा जहां पर समाज में हर 20-21 साल के बच्चे को है ना ये अवसर उपलब्ध हो कि वो उत्पादन करना चाहे, उत्पादन कर सके, उसके लिए प्रेरणा भी हो और जो करना चाहता है
उसके अनुरूप उसको प्रतिफल मिल सके तो उसको हम कहेंगे विनिमय में न्याय। ये नहीं होने से बहुत सारी विसंगतियां, कम से कम मैं समाज में देखता हूं, है ना, आप सब भी देखते ही होंगे कि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, है ना। दूसरा जो मुद्दा है, जो बिल्कुल बाबू सिंह जी लिख रहे हैं, उत्पादन वाला मुद्दा बहुत सारे लोगों को उतना प्रभावी नहीं है, ये बिल्कुल सहमत है जो बिल्कुल ध्यान आकर्षण करा रहे हैं। दूसरा व्यवहार वाला जो मुद्दा है, तो पारस भाई दूसरा ये मुद्दा होगा कि हम व्यवहार में अपने ही भाई, मैं तो ये देखता हूं और अपने परिवार में भी देखता हूं, अपने माता पिता के भाई बहनों में भी, जो जिस तरह की हमें हारमोनी दिखाई देनी चाहिए वैसी दिखाई तो नहीं देती है, जबकि साधनों की कोई कमी नहीं है। तो जो दूसरा बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है कि हम व्यवहार में सामाजिक कैसे हो पाए, तो दूसरा ये वाला मुद्दा बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसको अपने को देखना चाहिए कि कैसे हम व्यवहार में सामाजिक हो करके जी सकते हैं, ये मुद्दा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे पारस भाई हम ऐसे उदाहरणों को देख सकते हैं। तो दूसरा था पूर्णिमा बहन का, मानव और मानवीयता की वस्तुगत व वस्तु स्थिति सत्य क्या है। तो मानव का वस्तु सत्य जो है ना, तो ऐसे देखेंगे तो वस्तुगत सत्य मानव का है मानवीयता, अर्थात मानव अपने आचरण के साथ व्यक्त हो सके, ये उसकी सच्चाई है। वस्तु स्थिति यह है कि बहुत सारे मानव भ्रमित हैं और इसके साथ नहीं जी पा रहे हैं, ये उस अभी की सच्चाई है ना। तो ऐसा इसको मैं देखता हूं। भैया कुछ एग्जाम्पल दीजिए कि संबंध का व्यवहार में कैसे प्रैक्टिस करें, स्पेसिफिकली वैन परिवार में सबको इससे जुड़े ना हो। ये बहुत ही बढ़िया है। तो प्रतिभा बहन कुछ लिखी है, वो जब मुझे स्पष्ट नहीं है, प्रतिभा बहन द्वारा लिख देंगे आप, है ना। प्रगमिता आपने कुछ लिखा है वो समझ में नहीं आया, तो मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं दिनेश भाई, है ना, कि व्यवहार में क्या करना है। तो मुझे एक तो ये दिखता है कि परिवार में हम अपनों के साथ उनको सुन पाए। कई बार मैं देखता हूं, अपने में भी देखता हूं कि इतना ईगो है ना, एक तो मेल ईगो के नाम पर ईगो है, दूसरा ईगो में परिवार में सबसे अधिक पैसा कमाता हूं इस नाम पर भी एक ईगो है, क्योंकि समाज इसको सफलता मानता है और भ्रमवश मैं भी इसको सफलता मानता हूं, जबकि ये अधूरी सफलता, ऐसा भी नहीं है सफलता नहीं है, अधूरी है। तो हम अपने ही परिवार के लोग जो हमारा ध्यान आकर्षण कराते हैं, हमारे में जो कमियां रहती हैं व्यवहारगत कमियां, है ना, तो उस पे जो ध्यान आकर्षण है उसको हम ठीक ठीक ढंग से ले पाए, कि हम उनको सम्मान नहीं देते हैं, है ना। सम्मान का मतलब कि उनको, उनके जो भी वो व्यक्त हो रहे हैं इसको हम ठीक से सुन पाए। ये मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल मुझे दिखाई देता है प्रैक्टिस में। बच्चे कुछ कह रहे होते हैं, हम उनको छोटा मान करके नहीं सुनते हैं। तो जो भी ध्यान आकर्षण कराया जा रहा है उसको मुझे लगता है इस पे हमें ध्यान देना चाहिए, और मिल बैठ करके मीटिंग्स करनी चाहिए, अध्ययन के लिए एक दूसरे को प्रेरित करना चाहिए, और आप चीजों को ऐसा जैसा भी आप देखते हैं उसके पीछे की रीजनिंग को हम बता पाएं एक दूसरे को। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा काम, मैं यही एक अभी कमी अपने में पाता हूं, या कई बार हम ये मान लेते हैं कि अब तो मेरे में तर्क आ गया और मेरी पत्नी बच्चों ने सुना नहीं, तो भैया जो इसमें कह रहे हैं कि उनमें भी शुभेच्छा है, शुभकामना है, शुभकामना है, इसको भी हम देख पाए। कई बार हमें ये भी लगता है कि हमारे प्रगति में हमारे लोग साथ नहीं दे रहे, इसलिए प्रगति नहीं हो रही, और इसको हम अलग अलग ढंग से कम्युनिकेट करते हैं, तो इसको भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये भी एक गलत मैसेज देता है, क्योंकि इससे जो आश्वासन है दर्शन में, वो तो ये कह रहा है कि हर व्यक्ति को उसकी जागृति के अनुसार अभिव्यक्त होने का अवसर हर समय मिला रहता है। तो एक तो इस पे मुझे लगता है हम सब काम करना चाहिए। दूसरा, हमारे ही लोग कैसे अध्ययन में इनका मन बने, इसके लिए हमें और आसपास के लोगों पर काम करना होगा, क्योंकि उससे भी एक माहौल बनता है ना। जैसे मैं अपने ही घर में देखूं, तो अब जब नीता बहन देखती हैं, असम्यक देखता है कि यार इतने लोग इस सब पे जुड़े हुए हैं, अलग अलग लोग, है ना, ले रहे हैं लेक्चर, तो उनको भी ध्यान जाता है कि यार बहुत सारे लोग इस चीज को सुन रहे हैं, तो इससे भी माहौल बनता है। देखिए, मानव तो फाइनली वातावरण, मानवकृत वातावरण से प्रभावित होता ही है, अभी निगेटिवली प्रभावित हो रहा है क्योंकि भोग का ही वातावरण है। तो हमें, यदि हम ये चाहते हैं भैया कि हमारे घर में और अच्छा वातावरण बने,
तो हमें अपने और उन लोगों पर काम करना होगा, मित्रों पर, समाज में, जो इसको सुनना चाहते हैं, घर में गोष्ठी करना, ऐसे लोगों को बुलाना, आना जाना, इस सबसे धीरे धीरे माहौल बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। यही एक अभ्यास का क्रम मुझे दिखाई देता है। पारगामीयता की बात करें, मानव में पारगामीयता से क्या मतलब है? तो पारगामीयता का मतलब है कि अपन ये कह रहे हैं कि देखिए व्यापक पारगामी है हर इकाई में, अब मानव में भी पारगामी है, तो मानव में ज्ञान, इसका मतलब है हम ज्ञान में भीगे हैं। पारगामीयता का मतलब ज्ञान में भीगे हैं। तो ज्ञान में भीगे होने का क्या मतलब है? ज्ञान में भीगे रहने से, है ना, ज्ञान में भीगे रहने से बहुत सारी जो हमारे में व्यंजना हो रही है ना, मैं जैसे बाबा कह रहे हैं देखो 13 तरह का ज्ञान है, तो 4 विषयों का ज्ञान, 5 संवेदनाओं का ज्ञान, और फिर 3 ऐषणाओं का ज्ञान और उपकार का ज्ञान। तो हर मानव में, भ्रमित मानव में भी 4 विषय और 5 संवेदना, अर्थात 9 ज्ञान से हम संपन्न ही हैं। ये ज्ञान में भीगे होने का वो मैं देखता हूँ इसको पारगामीयता के रूप में, नहीं। अच्छा, दूसरा मैं ये भी देखता हूँ कि जी माने मेरी ही आत्मा में या मेरे ही जीवन में मैं और अच्छा होना चाहता हूँ, इसका संकेत कहाँ से आ रहा है? या जब आप दूसरों का सम्मान नहीं करते हैं, दूसरों का अपमान कर देते हैं, या दूसरों की पीड़ा से आप पीड़ित होते हैं, ये सब क्या है? इसका ज्ञान आपको, दूसरों की पीड़ा का ज्ञान क्यों हो जाता है ना? ये दूसरे आपसे दुखी हो गए, इसका आपको कैसे ज्ञान हो जाता है? तो ये जो आप में प्रतिबिंबन क्रिया है, क्योंकि व्यापक पारदर्शी है और आप में जो बल संपन्नता है व्यापक में होने की जगह से, इसलिए हम सब में सहज रूप में संवेदनाओं का ज्ञान और विषयों का ज्ञान ये तो बना ही रहता है ना। ये जो 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 9 ज्ञान है, इनकी अब दिशा, और बाबा लिख ही रहे हैं कि दूसरों के कष्ट को हम में जो प्रतिबिंबित होता है, इससे मैं अब विशिष्ट ज्ञान से संपन्न होना चाहता हूं, अर्थात ये जो ऐषणाओं से, या विशेष ज्ञान का मतलब इनसे कैसे मुक्त होंगे, इसकी भी अपने में जो ये जो सही कार्य व्यवहार करने की इच्छा बनी हुई है, इसको मैं पारगामीयता के रूप में देखता हूं। फिर से कहूं तो अपने में मैं पारगामीयता कैसे देख रहा हूं, कि पारगामीयता किस तरह से मेरे में व्यापक या ज्ञान की पारगामीयता है, क्योंकि ऐसे ज्ञान से संपन्न होने के लिए मेरे में अंतः प्रेरणा है, ये कोई दबाव नहीं है। क्योंकि देखिए दो ही प्रेरणा है, एक तो है कि मेरी पत्नी बोलती रहती कि तुम यार ज्ञान संपन्न हो जा, समाज बोलता रहता है कि तुम सुधर जाओ सुधर जाओ, ऐसा नहीं है। जबकि समाज हमें प्रेरणा दे रहा है ना भोगवाद की, फिर भी हम सब कोई, हम सब जितने लोग जुड़े हुए हैं, किन्हीं या जो नहीं भी जुड़े हैं, किन्हीं ना किन्हीं चरणों में वो जितने अच्छे हैं, वो किसी को शोषण कर लेते हैं, किसी को हानि पहुंचा देते हैं, किसी को पीड़ा दे देते हैं, उससे उनको अच्छा नहीं लगता है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये हमारे में ज्ञान रूपी बल संपन्नता की वजह से, इसको मैं ऐसे देखता हूँ। इसीलिए हम सब ठीक होना चाहते हैं, जितने अच्छे हैं उससे बेहतर होना चाहते हैं, ऐसा मैं देखता हूँ। सम्मान का मुद्दा बात करना जरूरी है, बिल्कुल ठीक बात है। हम बिना संदर्भ के, बाबू भाई जो ध्यान आकर्षण करा रहे हैं, बहुत ही गजब बात है भाई, ये मैं बिल्कुल देखता हूँ। देखिए हम सब लोग जिस तरह के संभ्रांत परिवारों से हैं, या वो अब समय निकल गया जहां पर हम कायिक हिंसा करें, अधिकांश लोग, कुछ लोग अभी भी करते हैं कि अपनी पत्नी को पीट देते हैं, पिटाई भी कर देते हैं, लेकिन शायद एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इससे मुक्त हो गया है अब। फिर भी जो वाचिक हिंसा है ना, हम टॉन्टिंग कर देते हैं, कमेंटिंग कर देते हैं, इसमें उनको अपमान लग जाता है, इसका हमें होश भी नहीं है। देखिए हमारी अजागृति, हमें इतना भी ध्यान नहीं है कि मैंने कुछ बोला है और इससे सामने वाला घायल है, या सामने वाले ने कुछ बोला है मैं घायल हूं, ये सामने वाले को पता ही नहीं है, और वो तो ये सब हमारी, इस सब पे हमें ध्यान देना चाहिए परस्परता में। तो वाचिक हिंसा को हम जो हमें करते रहते हैं, इस पे हमें और सजग होना होगा, सतर्क होना होगा। समृद्धि है, अगला एक कुछ कमेंट है, या कुछ समृद्धि है भौतिक रूप में, ज्ञात ना ज्ञात होने से समस्या है, शायद इसको कहा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है भैया, दो चीजें हैं बाबा कह रहे हैं, अप्राप्त को प्राप्त करना और अज्ञात को ज्ञात करना। तो अप्राप्त को प्राप्त करना समृद्धि है, क्योंकि जो प्राप्त नहीं है, है ना, वस्तुएं, उनको प्राप्त कर लेना समृद्धि है, और अज्ञात को ज्ञात कर लेना, और वैसे भी कहा था जो प्राप्त वस्तु है उसका सिर्फ अनुभव होता है,
और ये भी एक जगह आया है ध्यान गया हो तो, कि जो भौतिक समृद्धि है ये शरीर तक ही है, क्योंकि शरीर छूटेगा, सारी समृद्धि की आवश्यकता जब तक मैं शरीर के साथ हूं तब तक ही है। तो भौतिक समृद्धि एक सामयिक घटना है, अर्थात कुछ समय के लिए होने वाली घटना है, जबकि बौद्धिक समाधान एक नित्य घटना है, क्योंकि जीवन नित्य इकाई है, निरंतर इकाई है ना, और व्यापक या ज्ञान से तृप्त हो जाती है। और अब ना तो ज्ञान को छूटना है अपने से, ना ही जीवन को छूटना है, क्योंकि जीवन निरंतर है, तो ज्ञान भी निरंतर और जीवन भी निरंतर, इस अर्थ में हमारे में निरंतरता हो जाती है, व्यापक को व्यापक में ज्ञान में अनुभूत होने से या सहअस्तित्व में अनुभूत होने से। हम हमेशा सहअस्तित्व में बने रहेंगे और जीवन भी हमेशा बना रहेगा इस अर्थ में। बढ़िया, तो 2 मिनट और हैं, कोई और बात हो या आप कुछ कहना चाहते हैं ग्रुप से, तो मुझे तो बहुत ही सुखद ये रहा और इस अवसर का सदुपयोग जो राकेश भाई में जो व्यंजना हुई, राकेश भाई और प्रियंका बहन में जयपुर में रहते हुए, कि ऐसा क्यों ना समय का सदुपयोग इस ढंग से किया जाए और हम सब लोग जुड़ पा रहे हैं, ये बात जरूर है। मैंने पहले भी कहा मैं ये चाहता हूँ कि एक अभियान बने और भी बहुत सारे लोग इसमें जुड़ें और हम सब स्वयं है ना अपने व्यवहार के माध्यम से एक एक मार्गदर्शक प्रेरक हो सकें, यही हमें मैंने हमारे लिए सम्मानजनक है मानव होने के नाते। तो हम सब आगे उत्तरोत्तर और अच्छी गति करेंगे और अच्छे ढंग से अपने को अपने ही परिवारजनों के साथ सजोएंगे और विचार विमर्श करेंगे, सतर्कता पूर्वक अपनों से बात करेंगे, है ना। और मुझे लगता है इसको पहले स्वीकार लें, हमारे अपने हमारा भला चाहते हैं। ये जब तक हमारे में बना रहता है कि हमारे अपने हमें अच्छा काम करने से रोक रहे हैं, मैं तो इतना शुभ काम कर रहा हूँ और ये हमारे लिए बाधक हैं, पहले इस मान्यता को अपने में से निकाल दीजिए। हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता हमारे शुभचिंतक हैं, हो सकता है उनको कुछ चीज़ें नहीं दिख रही हों और हमें यदि उससे बेहतर दिख रही हैं तो हम उनको उन चीज़ों का ध्यान आकर्षण करा पाएं, उनको दिखा पाएं। बाबा बार बार कह रहे हैं समझदार की ही जिम्मेदारी है, विकसित होने का प्रमाण ही है, अविकसित को हम वो दिख दृष्टि उदय करा पाएं। तो इसको बिल्कुल निकल जाएं कि हम सब लोग, प्रतिभा बहन कह रही हम लोग घर में आजकल मूल्यों पर चर्चा करते हैं, बहुत ही सुखद है प्रतिभा बहन, और प्रतिभा बहन अभी अपने दादी नानी होने को भी इंजॉय कर रही हैं पक्का, है ना, तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो हम सब लोग परिवार में लोगों का इस अर्थ में सम्मान कर पाएं कि ये शुभेच्छा के साथ हैं, शुभ को ही चाहते हैं और हमें मार्गदर्शन जिनकी इतनी जो समझ बनी है उसके अनुसार देते ही हैं, हमें बेहतर दिखता है तो हम उनको भी बेहतर दिखा पाएं। इस अर्थ में मुझे लगता है खूब अभ्यास करने की जरूरत है, जितना जितना व्यवहार में, और हम बहुत चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ये मैं अपने में भी होता हूँ, ऐसा नहीं नहीं होता है, इसको कैसे मानसिक वाचिक कायिक, है ना, तो कायिक हिंसा नहीं है, वाचिक और मानसिक, ये जो मानसिकता है कि मैंने मान रखा है मैं श्रेष्ठ हूँ, है ना, दूसरे लोग उतने श्रेष्ठ नहीं है, पता नहीं होना भी चाहते हैं कि नहीं, इससे निकल जाएं, ये मानसिक रूप में जो हिंसा है उससे मुक्त होना होगा और स्नेह से युक्त होना होगा कि सभी सभी फाइनली हर मानव मानवीयता से संपन्न होना चाहता है, ये उनमें निहित है। इसे इस बात से जितना जितना हम अपने में स्वीकार पाएंगे उतना उतना हम, मुझे लगता है उतना हम अपने में और सहृदय हो पाएंगे, सरल हो पाएंगे, अभिमान से मुक्त हो पाएंगे, है ना, और अहंकार से मुक्त हो पाएंगे। तो बहुत बढ़िया, योगेश भाई कह रहे पारगाम्यता की वजह से हम स्वयं ज्ञानपूर्ण हो जाते हैं, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ऐसा ही लगता है मुझे, है ना, और हमारे ज्ञानपूर्ण हो जाने से हम संसार की हर क्रिया को आर पार देख सकते हैं, मतलब क्रिया को कारण सहित पहचान सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और नमस्कार, और आगे का सेशन चल रहा था, नेट कनेक्शन मतलब केवल वन वे हो रहा था और कैट बॉक्स नहीं चल रहा था। एक तो श्यामवीर भाई नमस्कार, और यदि आप द्वारा से उन क्वेश्चंस को लिख दें तो अपन उसको ले सकते हैं। एक आध दो मिनट वेट कर लेते हैं 9:32 तक, एक मिनट और उसके बाद शुरू करते हैं। वैसे राकेश भाई भी शायद भेजेंगे क्वेश्चंस, ऐसा मैंने उनको मिल जाते हैं तो बढ़िया, गुड।
तो आज का एक एक मैं ये भी चाहता हूँ कि जो अपने पास समय बचेगा उसमें और भी किसी के जो भी क्वेश्चंस हों उनको रख दें, है ना। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगा, जितना मुझे समझ बनी है, स्पष्टता बनी है, मान्यताएं बनी है ना, चित्रण हुआ है, तर्क बना है, उसके आधार पे अभी कोई अवधारणा बन गई हो ऐसा तो नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है शुरू कर सकते हैं, है ना। बढ़िया, तो श्यामवीर भाई बीच में लिख देंगे क्वेश्चन अभी होंगे तो, या किसी और के भी हों, यदि राकेश भाई को मिल जाएंगे और उनका मैसेज मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसमें से ले लूंगा। तो शुरू करते हैं, है ना। लास्ट पैराग्राफ तो हम लोग आज अपन पढ़ रहे हैं, अभ्युदय की अनिवार्यता। तो अभ्युदय क्यों जरूरी है, पूरा का पूरा अभ्यास दर्शन यदि मैं रिकैप के रूप में देखूं तो अभ्यास दर्शन यही कह रहा है कि हमें अभ्यास करना है। क्यों करना है, क्योंकि हम चाहते हैं अभ्युदय, या हम चाहते हैं कि धरती स्वर्ग हो, ऐसी कामना है। ये भी अपने आप में अपने को टटोलना चाहिए कि कितनी चाहत है हमारे में, उसके लिए हम सूक्ष्म रूप में है ना, या स्थूल रूप में है, यानी कारण रूप में है। बढ़िया, तो श्यामवीर भाई ने अपने क्वेश्चंस लिख दिए तो पहले उनसे ही शुरू करते हैं, है ना, और उसके बाद हम इसको ले लेंगे। सतर्कता व सजगता, क्या बोध और अनुभव को कह सकते हैं? मैं जहां तक इसको समझ पाता हूं कि वैसे इसमें, अच्छा राकेश भाई ने भेज दिए मुझे क्वेश्चंस, बढ़िया। तो ये जो सतर्कता और सजगता, मैं जितना इसको समझ पा रहा हूं ना, वैसे तो ये अध्ययन क्रम में भी है ना, जब हम बोध के लिए प्रयासरत हैं तब भी हमें तर्क सहित माने सतर्कता पूर्वक काम करने की जरूरत है, और उसके बाद अनुभव संपन्न होने के बाद, है ना, बहुत स्पष्ट रूप से मुझे नहीं पता तो मैं, लेट मी माय इग्नोरेंस, बिल्कुल एग्जैक्टली क्या मीनिंग होगा इसका, है ना, बट मुझे ये लगता है कि अध्ययन क्रम में हमें सतर्कता पूर्वक रहना पड़ता है और उसके बाद वो सजग हो जाता है या सहजता हो जाती है उसमें। सजगता शायद अनुभव के बाद की स्थिति को कह रहे हैं, उसके पहले तो हम सतर्कता पूर्वक अभ्यास कर रहे हैं ऐसा मुझे लगता है मोटा मोटी। बट इसको अपन और भी, मैं किसी से पूछूंगा यदि और कोई भी क्लैरिटी आएगी तो उसको ले लूंगा। और ऐसा नहीं है कि जागृति के बाद सतर्कता बनी ही रहती है, मतलब सतर्कता सजगता पूर्वक होता ही है काम। योगेश भैया कह रहे हैं आवाज बढ़ाएं, बिल्कुल बढ़ा दूंगा भैया। और राकेश भाई के मैं एक बार देख लेता हूँ, हम व्हाट्सएप पे भेजे भैया ने, हाँ तो चैतन्यता में कंपनात्मक गति समझाएं, एक तो ये था। भैया सही तो ये है कि बहुत स्पष्ट नहीं है मुझे चैतन्यता में कंपनात्मक गति, है ना। उसका कारण ये है कि चैतन्यता में हम फिजिकल चीजों से गति को, तो मुझे तो स्पष्टता नहीं आती है उसमें इतनी। हाँ मैं यदि उसको माने दूसरे ढंग से देखूं तो हम दूर दूर तक फैलते हैं। चैतन्य इकाई का एक जो गुण है कि जितनी जगह में है उससे अधिक चीजें उस पर प्रतिबिंबित होती हैं और उसकी कल्पना में दूर दूर की चीजें आ जाती हैं। तो यदि इसको कंपनात्मक, क्योंकि फिजियोलॉजिकली कैसे कंपनात्मक बढ़ती है ये मुझे बहुत स्पष्ट नहीं है, है ना, तो ये शायद बोध बोध में कहीं जाके स्पष्ट होता होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि उसकी गतियाँ ऐसे दिख पाती होंगी कि चैतन्यता में कंपनात्मक गति बढ़ गई है। बट यदि मैं इस भाषा से जो तर्क लगाता हूँ जब, तो ये मुझे जरूर दिखता है कि ऐसा कह रहे हैं कि जो जड़ जगत है ना, उससे अधिक चैतन्य इकाई में कंपन है और मैं उसको ऐसे ही देखता हूँ और इसी के बस वो फिर जो अणुबंधन में नहीं आता है। तो मैं जो नॉर्मली मैंने पहले भी एक सिमली दी थी कि जब कंपन किसी इकाई में ज़्यादा हो जाता है तो उसका जुड़ाव नहीं हो पाता दूसरी इकाइयों से भौतिक रासायनिक जगत के रूप में, है ना। जैसे अपन वाइब्रेटर चलाते हैं ना तो चीज़ों को तोड़ देता है, जो कॉन्क्रीट रहती है उसमें हम जब वाइब्रेटर वाइब्रेशंस को बढ़ा दें, एक तो कंपन का मतलब ये है कि अब वो भौतिक रासायनिक में
पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इस ढंग से जुड़ाव नहीं है। अब उसका जो जुड़ाव है, तो संवेदनाओं को यदि मैं देखूं कि दूसरों की है ना वेदना को या दूसरों में क्या घटित हो रहा है, ये अपने पे जो प्रतिबिंबित हो जाता है, दूर दूर से चीजें अपने पे प्रतिबिंबित हो जाती हैं, इसको शायद कंपनात्मक कह सकते हैं, बट मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूं इसमें। और तो फागनी बहन का था कि स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तु स्थिति सत्य में क्या अंतर, शायद वो स्थिति सत्य तीनों की ही बात कर लेते हैं। और क्या था, अनुभव केवल वस्तु स्थिति सत्य, ओके तो इतना ही था, बढ़िया। तो अनुभव, देखिए एक तो ये बात हो रही है कि अनुभव पूरा सहस्तित्व का हो रहा है ना, और मूल में देखेंगे तो स्थिति सत्य का जो सूचना है ना अपने पास, कि व्यापकता का अनुभव होता है आत्मा में, वो ताकत है कि व्यापक, जो कि स्थिति सत्य के रूप में है ना, उसको व्यापक कह रहे हैं। और वस्तुगत सत्य है जो हर इकाई में निहित सच्चाई है, अर्थात रूप गुण स्वभाव और धर्म के रूप में जो निहित सच्चाई है उसको वस्तुगत सत्य कह रहे हैं। जैसे मानव एक वस्तु है ना, पेड़ एक वस्तु है, लोहा एक वस्तु है ना, तो इसको कह रहे हैं वस्तुगत सत्य, माने उस वस्तु में निहित जो सच्चाइयां हैं, अर्थात उसका रूप, उसका गुण, उसका स्वभाव और उसका धर्म। और एक फिर कह रहे हैं वस्तु स्थिति सत्य, तो जो देश दिशा काल, माने जिस जगह जो पाई जा रही, जैसे अभी आज का मानव हम और आप है ना अध्ययनरत हैं, एक समय हम और आप भ्रमित थे है ना, और एक समय हम जागृत हो जाएंगे, तो ये वस्तु स्थिति सत्य है, माने वस्तुगत सत्य उसका रूप गुण स्वभाव धर्म है, और आज की स्थिति में इस समय वो जैसा पाया जा रहा है ऐसा मैं समझ पाया इसको, है ना अपने में। और स्थिति सत्य है कि सत्ता में संपर्क प्रकृति है ना, अविभाज्य प्रकृति है, ये फाइनली स्थिति सत्य है। तो ऐसा मुझे पकड़ में आता है वस्तुगत सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, जैसे आज जो समाज की स्थिति पाई जा रही है ये बदल जाएगी, है ना, संविधान की जो स्थिति है, या 1950 में जिस तरह से हम 1945 से पहले अंग्रेजों के अंडर में हम थे, उसके पहले मुगल हम पर शासन करते थे, तो वो एक वस्तु स्थिति सत्य था। तो वस्तु स्थिति सत्य व्यक्तिगत रूप में भी मिलेगा, परिवारों का भी मिलेगा, समाज की स्थिति का भी मिलेगा, राष्ट्र माने आज वर्तमान स्थिति वो क्या है, और वो परिवर्तन होगी कब तक, जब तक वो पूर्णता को ना पा जाए। एक ही सिद्धांत मुझे बाबा का बहुत ही अद्भुत लगता है कि हर पूर्णता के बाद उसकी निरंतरता हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली हम जब साइक्लिक सिस्टम में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पूर्णता होगी नहीं, क्योंकि पूर्णता के बाद वो फिर वापस आ जाएगा, यहां ऐसा नहीं कह रहे हैं, है ना, क्योंकि उसमें लगता है कि धरती समृद्ध हो जाएगी और फिर मानव मानवीयता से संपन्न हो जाएगा, उसके बाद देव मानवीय परंपरा हो जाएगी, दिव्य मानवीय परंपरा भी हो जाएगी, और फिर सर्किल चालू हो जाएगा, अर्थात फिर से बिगड़ जाएगा सिस्टम। ऐसा भी बहुत सारे लोग माने हुए हैं, अर्थात भौतिकवाद भी लगभग इसको मानता है ना, कि पहले आइस एज था, फिर वार्मिंग हुई, तो ये ग्लोबल वार्मिंग कोई ऐसे ही हंगामा कर रहे हैं लोग, ये तो साइक्लिक सिस्टम चलते रहते हैं। और बहुत सारे अध्यात्म के लोग भी मानते हैं, जैसे एक सेक्ट को मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा, बट जितना मेरे पास वो अभिव्यंजित हुआ या व्यंजना आई या जो सूचना आई उससे जो मेरा अनुमान बना, ब्रह्म कुमारी वाला ग्रुप ऐसा कहता है कि लगभग 5000 साल में साइकिल घूमता रहता है, और हम और आप ये जो मध्यस्थ दर्शन की बात आज कर रहे हैं शायद 5000 साल पहले भी कर रहे होते। तो इस ढंग से इसमें बाबा ने सिद्धांत को बदल दिया, उन्होंने कहा कि हर पूर्णता के बाद, अब क्या होगा भैया पूर्ण हो गया तो, क्योंकि पूर्ण का मतलब ही है वो सम विषम से मुक्त है, उसके पहले तक उसमें सम विषम घटनाएं घट रही हैं, तो हर पूर्णता के बाद उसकी निरंतरता हो जाती है, अर्थात दिव्य मानवीयता के पद को पहुंच के उसकी निरंतरता हो जाएगी। एक तो ये बड़ा मुझे काफी कंफर्टिंग लगता है, तो इसलिए प्रयास करने का मन भी है कि शायद इस धरती पर व्यवस्था हो जाए तो फिर वो अक्षुण्ण टाइम तक, बाबा कहते हैं मतलब सदा सदा बनी रहेगी, क्योंकि दूसरे ढंग से जो भौतिक बात कहता है वो तो बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कह रहा है ना, क्या बात कह रहा है कि परिवर्तन ही एकमात्र निश्चयता है, इसीलिए उसको अस्थिरता दिखाई देती है, क्योंकि वास्तव में यदि देखें तो इकाइयां, भौतिक रासायनिक जगत का हम जब अध्ययन करेंगे
या जो भी करता है उसको ये दिखता ही है, बदल रहा है, लगातार बदल रहा है, और बाबा भी ये कह रहे हैं बदल रहा है, लेकिन बाबा ये कह रहे हैं कि ये बदल रहा है और पूर्णता को पा करके स्थिर हो जाता है, ये वाली बात, क्योंकि गठन पूर्णता वहां दिखी नहीं है ना, तो एक नया मौलिक बात को बाबा, इसलिए बाबा कह रहे हैं जो अनुसंधान है बेसिकली वो गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता के रूप में है। तो एक अच्छी अलग अच्छी इम्पोर्टेंट बात इसमें हमें लगती है, मुझे लगती है, मुझे मैंने काफ़ी सुंदर भी लगता है, सार्थक भी लगता है। और दूसरे ढंग से भी वो कह रहे हैं कि देखो भाई पूर्णता के लिए फिर प्रयास ही क्यों है, यदि इसको वापस अपूर्ण होना था तो ये प्रयास ही क्यों है, तो पूर्णता के बाद क्योंकि वो निरंतर हो जाता है इसीलिए वो प्रयास भी है और इसीलिए उसमें सफलता भी मिलती है उसकी निरंतरता के अर्थ में। बढ़िया। दूसरा श्याम वीर भाई लिख रहे हैं, पेज 17 पैरा 2, मध्यस्थ क्रिया में प्रभावित रहना अनुभव है क्या? प्रभावित करना शिक्षा के अर्थ में, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि आपका बात एकदम ठीक है कि आत्मा जो है वो मध्यस्थ क्रिया में प्रभावित रहना, मध्यस्थ सत्ता में प्रभावित रहती है आत्मा, स्वयं मध्यस्थ क्रिया है और बाकी के जो चारों हैं माने बुद्धि चित्त वृत्ति और मन, इससे प्रभावित, इसमें प्रभावित रहते हैं है ना, और या इसमें आप्लावित हो जाते हैं, तो पूरा जीवन ही मध्यस्थ हो जाता है। और दूसरा है दूसरों को प्रभावित करना, मतलब जैसे उसमें लिखा था, बिल्कुल बढ़िया आपका ध्यान आकर्षण मान गया है कि आत्मा का काम है कि खुद प्रभावित रहना, अनुभव से प्रभावित करना, तो ये बिल्कुल दूसरों को जो प्रभावित करना है बिल्कुल शिक्षा के अर्थ में, मुझे भी ऐसा ही इससे भाव आता है, आप एकदम ठीक पकड़ रहे हैं। एक और चीज़ मैं देखता हूँ धीरे धीरे, जैसे ही चूंकि ये बहुत तार्किक है और हमें धीरे धीरे शब्द के द्वारा अर्थ और वस्तु का भी भास आभास होने लगता है, तो हमें ये दिखने लगती है, मतलब ये आप अपने में देख पाएंगे, मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो साक्षात्कार और बोध की स्थिति वाला दिखना है, बट फिर भी एक सटीक काफी सच्चाई के आसपास का अनुमान हमें लगने लगता है, तो बिल्कुल ठीक है। श्याम वीर भाई आगे लिख रहे हैं कि भैया प्रवृत्ति बौद्धिक नियम के विपरीत अविद्या संग्रह और वृत्ति बौद्धिक नियम से मिलते जुलते और निवृत्ति ऐसा मुक्ति, बिल्कुल भैया एकदम ऐसा ही है ना। तो प्रवृत्तियां, क्योंकि बाबा ने यहाँ पर प्रवृत्ति को अमानवीयता के अर्थ में यूज किया है, ऐसे प्रवृत्तियों को सार्थकता दोनों के अर्थ में यूज करते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि हम सब में, जैसे मैं यदि अपने में देखूं तो मैं जैन होने के नाते शाकाहार हूं, है ना, मतलब ये परंपरागत शाकाहारिता कहलाएगी, ये प्रवृत्ति के रूप में है, ये संस्कार तब कहलाएगा जब ये मैं मुझे ही स्वीकार हो जाएगा कि ये हिंसा करना ठीक नहीं है, या मांसाहार प्रकृति के लिए ठीक नहीं है, या सहस्तित्वगत नहीं है, जब ये मेरे में संस्कार हो जाएगा तब मैं ये कहूँगा ये संस्कार है, अर्थात संस्कार के बाद अब मेरी प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा। उसके पहले यदि मैं शाकाहारी हूँ परिवारगत परंपरागत विधि से, या पीयर प्रेशर में, या हमारे जहाँ पे मैं पैदा हुआ वहाँ पे ऐसे ही चलते थे, आसपास के लोग भी यही करते थे, तो ये प्रवृत्ति है। इसी ढंग से मांसाहार भी कई लोगों में प्रवृत्ति बस है, और ऐसे ही ये झूठ बोलने की प्रवृत्ति, लाभ की प्रवृत्ति, या सही बोलने की भी प्रवृत्ति है ना, ये संस्कार और प्रवृत्ति में मैं जो अपने में बिठाया हूँ कि संस्कार का मतलब है अब वो स्थिर हो गया, अब वो बदलेगा नहीं, इसीलिए चूंकि अब वो आप में नहीं बदलेगा तो अब आपके आसपास जो भी लोग हैं अब संभावना उन्हीं में बदलने की बची है, इसलिए संस्कार वाला जो व्यक्ति है वो परिस्थितियों को बदलने के लिए कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसमें तो बदलाव होना नहीं है, तो अब एक ही ऑप्शन बचता है कि परिस्थितियां बदलें, इसीलिए ऐसा भी कह रहे हैं कि जो मानव है वो अमानवीयता में हम परिस्थितियों से गवर्न्ड हैं और मानव परिस्थितियों को गवर्न करता है। क्यों? क्योंकि उसमें संस्कार आ गया, उसमें तो अपरिवर्तनीयता हो गई, अब एक ही ऑप्शन बचा कि आसपास के लोग और परिस्थितियां बदलें, है ना, उसमें तो कुछ अब हिलने डुलने वाला नहीं है क्योंकि वो पूर्णता को पा गया और पूर्णता के बाद परिवर्तन होता नहीं है, उसकी निरंतरता ही रहती है ना। इसी ढंग से ऐसे भी देखें तो हम सब जो व्यापक में डूबे भीगे घिरे हैं, अब व्यापक में कुछ बदलना नहीं है तो हमारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, है ना, हमें वो व्यापक के लक्षणों से युक्त होने का ही एकमात्र ऑप्शन है क्योंकि व्यापक में तो बदलना नहीं है, है ना। तो इस ढंग से यदि अपन देखेंगे
तो व्यापक में, तो अब हमारे में ही व्यापक के अनुसार होने, व्यापक के अनुसार होने का क्या मतलब है, हमें अपने में ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगी, क्योंकि व्यापक ट्रांसपेरेंट है। हमें सबके लिए समान भाव से रहना पड़ेगा, क्योंकि व्यापक में साम है, व्यापक किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, साम रूप से सबको प्राप्त है। तो इस तरह की जो और व्यापक अखंड है, इकाइयां खंड खंड है, तो हमारे में जो अखंडता की प्रवृत्ति है वो संस्कार में बदलनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो यदि जो मैंने जो जो इस बाबा ने उसको वृत्ति कहा यहाँ पर स्पेशली, है ना, क्योंकि बाबा ने संस्कार सब कुछ ही शब्द हैं जो दोनों ढंग से यूज हुए हैं, सुसंस्कार और कुसंस्कार के रूप में भी यूज हुआ है, और संस्कार भाइनली जो अपरिवर्तनीयता है उसके अर्थ में भी यूज हुआ है, अर्थात सच्चाइयों की स्वीकृतियां ही संस्कार हैं, ऐसा भी यूज हुआ है। तो वृत्ति को बौद्धिक नियम के रूप में कह सकते हैं, है ना, या न्याय धर्म सत्य के अनुसार जो वृत्ति में होने वाले विश्लेषण और तुलन है, जब वो इसके अनुसार हो जाते हैं, है ना, तब उसको वृत्ति सही अर्थ में क्रियाशील हुई, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। और निर्वृत्ति बिल्कुल ऐषणा मुक्ति को कहा है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ अब उपकार ही प्रधानता है ना, इस अर्थ में निवृत्त हो गए, क्योंकि परंपरा में निवृत्ति शब्द को उपयोग किया है, वहां पर निवृत्ति शब्द को जो मेरे तक भाव पहुंचता है उससे, हो सकता है मैं ठीक ना हूं, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है मेरे मेरा परंपरा का, बट निवृत्ति का वहां पर ऐसा ही भाव आता है कि अब किसी से, है ना, बेसिकली राग और द्वेष से मुक्ति के रूप में कह रहे हैं, है ना। तो क्योंकि राग और द्वेष दोनों ही विषमताएं हैं, सट आवेश का हिस्सा हैं दोनों ही, है ना, राग एक्चुअली मोह के रूप में है, द्वेष मद और मत्सर के रूप में है, इससे तो मुक्ति में ही हो जाती है। बाबा यहाँ कह रहे हैं कि ऐषणा मुक्ति, अर्थात जो जो ऐषणाएं थी, जो जन की, जन बल की, धन बल की और यश बल की जो कामना थी, व्यवस्था को स्थापित करने के रूप में, इससे भी अब मुक्त हो गए। अब सवाल बनता है इससे क्यों मुक्त हो जाएंगे भाई? तो मुझे ऐसा इससे जो भाव जाता है, मैंने ऐसा अपने में इसको, तो मैंने मैं ऐसा सोच के, मुझे अपने को अपने में ठीक लगता है, आप भी सोच के देखिए, है ना। और मुझे ये भाव जाता है, जिम्मेदारियों की तृप्ति ही जिम्मेदारियों से मुक्ति है, या ऐषणाओं की तृप्ति ही ऐषणाओं से मुक्ति का स्रोत है। अर्थात माने मानव मानव पद में यश बल की तृप्ति हो जाती है, मानव बल मानव पद में जन बल और पद धन बल की तृप्ति, तृप्ति होने का क्या मतलब है कि अब वो ट्रांसफर कर देते हैं दूसरों को, ऐसा मैंने मैंने अपने में बैठाया हुआ है, और मुझे सोच के ठीक लगता है कि एक समय है जब मैं यश बल कामना, अर्थात मेरी मेरा नाम हो जाए अजय जैन का,